इंडिया का अपना व्हाइट एलिफेंट, हमारा प्यारा BSNL। भले ही 5 साल में 50,000 करोड़ का लॉस हुआ हो और आखिरी प्रॉफिट 2008-09 में हुआ हो, लेकिन गवर्नमेंट इसके रिवाइवल में खर्चेगी अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख करोड़। इसकी क्या जरूरत थी यार? जरूरत थी। BSNL भले ही लॉस मेकिंग हो, लेकिन ये जो काम करता है वो कोई नहीं करता। BSNL इंडिया के लास्ट माइल तक इंटरनेट पहुंचाता है, वहां भी जहां पे बिजनेसेस प्रॉफिटेबल नहीं है। इनफैक्ट BSNL के 36% ऑप्टिकल फाइबर्स रूरल एरियाज में। सेकंडली, प्राइवेट टेलीकॉम प्लेयर्स अपना हार्डवेयर दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, बट BSNL मैक्सिमम चीजें इंडियन सप्लायर से ही खरीदता है। सो अगर BSNL रिवाइव हुआ तो इंडियन इंडस्ट्री के लिए भी बेनिफिशियल होगा। बॉर्डर एरियाज में BSNL आर्म फोर्सेस की कम्युनिकेशन नीड्स को पूरा करता है, और सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से हम ये काम प्राइवेट कंपनीज को नहीं दे सकते, एंड दैट इज व्हाई इस कंपनी को बचाना बहुत जरूरी है। सो डू यू थिंक कि BSNL आज नहीं तो कल एक प्रॉफिटेबल कंपनी बनेगा? कमेंट करके जरूर बताना।